गढ़ा पुलिस ने एक शातिर अपराधी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। यह शातिर अपराधी पुलिस को न्यायालय से चकमा देकर फरार हो गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने आरोपी पर 6,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए गढ़ा थाना प्रभारी प्रवीण ध्रुवे ने बताया कि राहुल गौंड पिता बसौरी लाल गौंड एक आदतन अपराधी है, जिस पर थाना गढ़ा में 21 अपराध दर्ज है और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि वह मदन महल स्थित अपने घर आया हुआ है, जिस पर गढ़ा पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पुलिस के जवानों ने दबोच लिया। जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया। गढ़ा पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया आरोपी एक शातिर अपराधी है, इसलिए शहर के अन्य थानों से भी आरोपी की अपराध संबंधी जानकारी मंगाई जा रही है। पीबीसी के लिए जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समय समय पर निर्देशित किया जाता रहा है गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने में। इसी में थाना गढ़ा से एक टीम लगी हुई थी, कुख्यात अपराधी है राहुल गौंड पिता बसौरी लाल गौंड, ये मदन महल में अभी निवासरत है। इसके थाना गढ़ा में 21 अपराध हैं, इसको गिरफ्तार किया गया है। ये धारा 302 के एक मामले में फरार भी था और इसके पास एक देसी कट्टा एक राउंड मिला है, जिसपे 25-27 एक्ट की कार्रवाई की गई है। लगभग इसके ऊपर 6,000 रुपये का इनाम भी घोषित था, चूँकि ये न्यायालय से फरार था। इसको आज मामले में न्यायालय पेश किया गया है। कितने मामले दर्ज? इसके ऊपर कुल 21 अपराध थाना गढ़ा में है, जिसमें मारपीट के, लूट के, हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। अन्य थानों में भी सूचना दी गई है, हो सकता है कि अन्य थानों में इसके खिलाफ कोई वारंट पेंडिंग हो और किसी मामले में फरार हो। आरोपी कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से गिरफ्तार किया? ये मदन महल क्षेत्र है, वहाँ माली मोहल्ला है, वहाँ से इसको लिया गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।